हे गाइस, आज के इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस के स्टॉक को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये गए हम लोग को 4 आवर टाइम पे, इसको बड़ा करेंगे, हमें क्या दिख रहा है। पहले तो हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है अच्छा खासा, ये कुछ परफेक्ट हो, तो ये अब ट्रेंड का बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टच, यहाँ पे एंड यहाँ पे, और ये इस डायरेक्शन में जा सकता है। इसका इसको एक ऐसा भी ड्रॉ कर सकते, ये या तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या तो अगर ये इस तरह का अगर पैटर्न बनता है, ये तो ये ब्रेकआउट कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करना, ये ऐसा ब्रेकआउट कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ब्रेकआउट करके डाउन ट्रेंड में जाए। अगर नहीं ब्रेकआउट देता तो इसका यहाँ तक जा सकता है। हम देखते हैं इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल लाइन पिक किया, यहाँ एक सपोर्ट दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, दूसरा मुझे यहाँ दिख रहा है सपोर्ट, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, बस और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया सबसे नीचे, ये देखिए कितनी बार यहाँ से रिट्रेस लिया है, यहाँ देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया है कितनी बार, और ये फाइनल लाइन देखिए 1, 2, 3। क्योंकि हम करने वाले हैं इंट्राडे, तो हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हम आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक सपोर्ट लेता हुआ, दो बार यहाँ पे ले चुका है सपोर्ट, एक यहाँ पे टच करते रह गया, एक यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट दिख रहा है। एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं अगर चाहे तो, ये ले तो ये ट्रेंड लाइन देख के एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कितनी बार लिया। अब हम तब तक ट्रेंड नहीं लेंगे जब तक ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर या तो ये नीचे नहीं जाते। तो ये हमारा टारगेट होगा कि ये किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है, उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। अगर ये अप में देता है तो बाइंग करना है, अगर ये डाउन में करना है तो सेलिंग करना है। देखते हैं, और हमें कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइन ये लिया, यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस, मुझे लग रहा है अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसका अगला टारगेट होगा 87.95। एक सपोर्ट यहां पे भी दिख रहा है, मैक्सिमम टचेस है इस सपोर्ट पे भी 84.10 पे।
अगर ये डाउन ट्रेंड में जाता तो यहाँ पे एक इसको सपोर्ट मिल रहा है 75 का, जबकि वहाँ तक जाएगा नहीं। अब एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते क्या दिखा रहे हैं। ओके ओके ओके, इधर तो एक और सपोर्ट या तो साइडवेज कह सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ही है छोटे टाइम फ्रेम पे भी वही दिखा रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसका ऊपर बाइंग करेंगे और ये यहाँ पे आके ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो देन शॉर्ट करेंगे। 84.10 का पहला इसका टारगेट होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली एक और वीडियो में।